हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वन लाइनर एमसीक्यूज। टॉपिक रहेगा बेनिफिशियल इंसेक्ट हनी बी। इससे पहले भी बेनिफिशियल इंसेक्ट पर वीडियो आ चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पीसीज ऑफ हनी बी दैट आर नॉट फुली डोमेस्टिकेटेड। कौन सी स्पीसीज है जो कि फुली डोमेस्टिकेट नहीं की जाती? तो रॉक बीज एंड लिटिल बीज। ठीक है, जो रॉक बीज हैं और लिटिल बीज हैं, इनको हम लोग फुली डोमेस्टिकेट नहीं करते। कभी कभी आपका नाम पूछ लेगा कि रॉक बी का जो साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, एपिस डोरसाटा। ठीक है, एपिस डोरसाटा। ठीक है, ये हो जाएगा रॉक बी का नेम। अगर आपसे पूछ ले कि लिटिल बी का नाम क्या है, तो एपिस फ्लोरिया। ठीक है, एपिस फ्लोरिया क्या हो जाएगा, लिटिल बी का नाम। तो याद रखना ये भी कि कौन सी डोमेस्टिकेट नहीं की जाती है, तो एपिस डोरसाटा एंड एपिस फ्लोरिया, जिसे हम लोग रॉक बी कहते हैं एपिस डोरसाटा को और लिटिल बी को एपिस फ्लोरिया। देन स्पीसीज ऑफ हनी बी दैट आर फुली डोमेस्टिकेटेड, कौन सी स्पीसीज हैं जो कि फुली डोमेस्टिकेटेड हैं? तो इंडियन बी एंड इटालियन बी। ठीक है, इटालियन बी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा क्या हो गई, इटालियन बी, और इंडियन बी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस सेरेना। ठीक है, एपिस सेरेना, ये हमारी क्या हो गई, इंडियन बी। तो याद रखना है कि कौन सी डोमेस्टिकेटेड हैं, तो एपिस सेरेना एंड एपिस मेलिफेरा, जिसे हम लोग इंडियन बी और इटालियन बीज कहते हैं, और कौन सी डोमेस्टिकेटेड नहीं है, तो वो है रॉक बीज और लिटिल बीज। देन स्टिंगलेस हनी बी स्पीसीज दैट कैन बी डोमेस्टिकेटेड, कौन सी स्पीसीज जो कि स्टिंगलेस है, मीन्स उसमें स्टिंग नहीं पाई जाती हैं? तो डैमर बीज। ठीक है, डैमर बीज में क्या है, स्टिंग नहीं पाई जाती है, वेयर एज रॉक बीज, लिटिल बीज, इंडियन बीज एंड इटालियन बीज में स्टिंग पाई जाती है। द फोर टाइप ऑफ हनी बी स्पीसीज, एपिस डोरसाटा, ठीक है, ये हो गई जिसे हम लोग कहते हैं लिटिल बीज, सॉरी रॉक बीज। दूसरा है एपिस सेरेना, जिसे इंडियन बीज कहते हैं, एपिस फ्लोरिया, जिसे लिटिल बीज, और एपिस मेलिफेरा, ठीक है, जिसे हम लोग इटालियन बीज के नाम से जानते हैं। तो दोनों नामों के याद रखा, कॉमन नेम क्या है और इनका साइंटिफिक नेम क्या है। देन अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ हनी बी इमर्ज इनटू मेल्स, जो क्वीन एग देती है उसमें से जो अनफर्टिलाइज्ड, दो प्रकार के एग देती है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें से हमारा मेल्स ड्रोन निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें मेल के बीज जिसे हम ड्रोन्स कहते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें से वर्कर बीज निकलते हैं। ठीक है, जनरली जो वर्कर बीज होते हैं ये फीमेल्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रॉयल जेली ये डेवलप नहीं हो पाते हैं क्वीन में। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द सब्सटेंस ऑन विच वर्कर बी फेड एंड इनटू क्वीन डेवलप इनटू क्वीन, वो रॉयल जेली। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस होता है जिस पे वर्कर बीज फेड करते हैं और वो क्वीन में डेवलप हो जाते हैं? तो रॉयल जेली। ठीक है, और क्वीन भी किस पर फीड करती है, रॉयल जेली पर। द सोल फंक्शन ऑफ क्वीन इन द कॉलोनी इज एग लेइंग, जो मेन फंक्शन है क्वीन का, वो काम क्या होता है, एग लेइंग। अगर आपसे पूछे मेन फंक्शन ऑफ मेल बी या ड्रोन का मेन फंक्शन क्या है, तो मेटिंग विद क्वीन। ठीक है, क्वीन के साथ मेटिंग करना मेल बी या ड्रोन का काम होता है, और जो वर्कर क्या होना, उनको सुरक्षा के लिए रखा जाता है, वर्क के लिए मीन्स पोलन कलेक्टर के लिए रखा जाता है, और जो सोल्जर्स होते हैं उनको क्वीन की सुरक्षा के लिए। द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इन अ कॉलोनी इज 6 वीक, जो वर्कर बीज होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है कॉलोनी में वो 6 वीक होती है। ठीक है, तो याद रखना जो टोटल लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इन द कॉलोनी इज 6 वीक। देन द ड्यूरेशन टेकन बाई वर्कर इन द डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू एडल्ट, ठीक, कितना टाइम लगता है वर्कर को एग से एडल्ट बनने में, तो 21 डेज। ठीक है, वर्कर जो होते हैं वो एग से एडल्ट कब बन जाएंगे, 21 डेज में। और वही ड्रोन की बात करें तो ड्रोन को 24 डेज लगते हैं एडल्ट बनने में, फ्रॉम एग टू एडल्ट। द क्वीन सेल्स आर लोकेटेड एट द बॉटम एज ऑफ द हाइव, वेयर एज वर्कर सेल्स एंड ड्रोन्स हैव लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द हाइव। जो हाइव होता है, ठीक है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें जो क्वीन सेल्स होते हैं वो हमारे बॉटम एज में होते हैं, ठीक है, नीचे होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स और ड्रोन्स होते हैं वो हमारे अपर लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, जो अपर लेयर होती है हाइव की, वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो याद रखना है क्वींस जो होते हैं वो बॉटम स्टेज पर होते हैं, और जो वर्कर और वो होते हैं वो हमें सरफेस ऑफ द हाइव, ठीक है, जो छत्ता है उसके सरफेस पर होते हैं। द क्वीन सेल्स शेप इज इरेगुलर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, वर्कर बी का मूली पूछता है कि उसका जो सेल शेप होता कैसा होता, हेक्सागोनल। तो ये भी याद रखना है, जो क्वीन सेल का शेप होता वो इरेगुलर होता है, ठीक है, कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलरिटी होती है उसमें, लेकिन जो वर्कर सेल्स होते हैं और ड्रोन सेल्स होते हैं, जहाँ पर ड्रोन्स और वर्कर्स पाए जाते हैं, वो हमारा हेक्सागोनल शेप का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, कैसा होता है, तो हेक्सागोनल।
द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाई क्वीन इज टर्म्ड एज स्वार्मिंग. ठीक है, जब कॉलोनी, जब जो बीज होती हैं एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, मतलब एक जगह से हटकर वो दूसरी जगह जाती है, यहाँ पर अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्मिंग. ठीक है, याद रखना है स्वार्मिंग. एक और दूसरा वर्ड मिलेगा फोरेजिंग. ठीक है, फोरेजिंग क्या होता है, जब वो क्वींस, जब वो वर्कर बीज होती हैं, जब वो अपनी कॉलोनी को छोड़ती हैं इन द पॉलन कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, पॉलन को कलेक्ट करने के लिए जब वो जाती तो उसे हम लोग फोरेजिंग कहते हैं. इन हाइव द सेल्स स्पेशली इन द अपर पोर्शन ऑफ द कॉम्ब आर मेनली इंटेंडेड फॉर स्टोरेज ऑफ हनी पॉलन वाइल इन द लोअर आर यूज फॉर ब्रूड रियरिंग. ठीक है, जो हमारा हाइव होता है उसमें जो अपर पोर्शन ऑफ कॉम्ब होता है वहाँ पर मेनली क्या क्या हनी पॉलन का जो कलेक्शन होता है, स्टोर होता है, लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर ब्रूड रियरिंग मीन्स वहाँ पर जो क्वीन है वो हमारे अंडे देती है. ठीक है, तो अपर पोर्शन में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ हनी एंड पॉलन, लोअर पोर्शन में ब्रूडिंग का काम होता है. देन वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट व्हेन फ्यूज्ड विद मेटाथोरैक्स इन बीज इज कॉल्ड एज प्रोपोडियम. पहला जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वो अगर मेटाथोरैक्स के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, जो पहला हमारा एब्डोमिनल सेगमेंट है अगर ये फ्यूज होगा किसके साथ, मेटाथोरैक्स के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपोडियम. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एब्डोमिनल सेगमेंट फर्स्ट फ्यूज विद मेटाथोरैक्स इज कॉल्ड एज प्रोपोडियम. द पोर्शन ऑफ एब्डोमिन बियॉन्ड द सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट पेडिस्टल इज कॉल्ड एज वेस्ट. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, द पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल बियॉन्ड द सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट से हम क्या कहते हैं, वेस्ट. द टाइप ऑफ माउथ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं हनी बी में. ठीक है, हनी बी में किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, तो चीविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन हनी बी. इसके बाद द पार्ट ऑफ माउथ इन वर्कर बीज विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पॉलन इंजेशन एंड वैक्स मोल्डिंग इज मैंडिबल. कौन सा पार्ट है जो माउथ का जो कि फंक्शनिंग करता है पॉलन इंजेशन का और वैक्स मोल्डिंग का, तो वो क्या हो जाएगा, मैंडिबल्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सा पार्ट है जो कि पॉलन इंजेशन का फंक्शन करता है और वैक्स मोल्डिंग का, तो मैंडिबल्स. द एंटीना क्लीनर एंड पॉलन बास्केट आर प्रेजेंट इन फोर लेग एंड हिंड लेग. जो एंटीना क्लीनर होते हैं और जो पॉलन बास्केट होती है वर्कर बी में, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीना हमारा फोर लेग में प्रेजेंट होता है, याद रखना, एंटीना क्लीनर फोर लेग में और जो पॉलन बास्केट होते हैं वो हमारे हिंड लेग मीन्स पीछे वाले लेग में प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका पूछता है, फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग. ठीक है, कौन है फादर, फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग. ठीक है, मॉडर्न बी कीपिंग, इनके फादर कौन है, तो याद रखना है कौन है, प्रोफेसर ए एस अटावल. ठीक है, प्रोफेसर ए एस अटावल, ये हमारे कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग. ठीक है, प्रोफेसर ए एस अटावल, ए टी ए डब्ल्यू एल. देन उसके बाद पॉलन बास्केट एंड पॉलन प्रेस इज प्रेजेंट ओनली इन वर्कर कास्ट ऑफ हनी बी. जो पॉलन बास्केट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हिंडलिंग ऑफ वर्कर बीज में, और जो पॉलन प्रेस होता है वो किसमें, सिर्फ वर्कर में ही पाया जाता है. ठीक है, और किसी जो कास्ट होती है उसमें नहीं पाया जाता है, ना ड्रोन में पाया जाता है, ना क्वीन में पाया जाता है, ना सोल्जर्स में, वो किस में पाया जाता है, सिर्फ वर्कर्स में. द कास्ट ऑफ हनी बी विच इज इन विच वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट. कौन सी कास्ट है जहाँ पर वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो वर्कर बीज में. ठीक है, जो वर्कर बीज होती हैं उसमें मोस्ट एक्टिव हमारी कौन सी होती हैं, वर्कर बीज, और सोल्जर बीज दो हमारी मोस्ट एक्टिव होती हैं कास्ट. ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वैक्स ग्लैंड, किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वर्कर बीज में. द सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम 4 to 7 इन बीज कंसिस्ट ऑफ 4 pair ऑफ वैक्स ग्लैंड. ठीक है, सेगमेंट है एब्डोमेन फ्रॉम 4 to 7, उसमें 4 pair ऑफ वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं. द स्टिंग इन वर्कर बी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओवी पोजिस्टर. जो स्टिंग होती है, ठीक है, जब आपको मधुमक्खी या बीज काट लेती है, जो स्टिंग लग जाती है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो वो ओवी पोजिस्टर. ओवी पोजिस्टर क्या होता है, ऐसा या ऐसा पोजिशन जहाँ से जो फीमेल है वो एग को ले करती है. ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होता है, एब्डोमिना सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट. ठीक है, प्रेजेंट इन द लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और वो किसका मॉडिफिकेशन है, ओवी पोजिस्टर का. स्टिंग इज एबसेंट इन ड्रोन कास्ट ऑफ हनी बी. जो ड्रोन कास्ट होती हैं उसमें जो स्टिंग होती है वो हमारी एबसेंट होती है. ठीक है, और ड्रोन किससे बने होते हैं, अनफर्टिलाइज एग से. ठीक है, जो कि मेनली हमारे मेल होते हैं, जो कि फंक्शन क्या होता है मेल का, कि मेटिंग विद क्वीन. ठीक है, और इसमें स्टिंग बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती, एबसेंट इन ड्रोन कास्ट. द बी वेनम ऑफ हनी बी इज सिक्रेटेड बाई एसिड ग्लैंड. ठीक है, जो बी वेनम होता है वो हमारा एसिड ग्लैंड से सिक्रेट होता है. एक चीज़ और याद रखना कि जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे अंडर डेवलप्ड फीमेल होते हैं. ठीक है, जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, अंडर डेवलप्ड
अंडर डेवलप्ड फीमेल होती हैं जिनको रॉयल जेली मिलती नहीं है, तो इससे वो क्वीन में डेवलप नहीं हो पाती। अगर उनको रॉयल जेली मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगी, क्वीन में डेवलप हो जाएंगी। तो ये फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं लेकिन अंडर डेवलप्ड होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ रॉयल जेली। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजेमा डिसीज इन हनी बी इज नोजेमा एपिस। ठीक है, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है नोजेमा डिसीज का वो कौन से स्पीसीज है, कौन से है, नोजेमा एपिस। द टू बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट द हनी बी आर अमेरिकन फाउल ब्रूड एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड। इंपॉर्टेंट है कौन सी दो स्पीसीज है, तो अमेरिकन फाउल ब्रूड, ये दोनों आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टिंग वाला भी आप करना, किस में एबसेंट होती है, तो ड्रोन में एबसेंट होती हैं। तो बैक्टीरियल स्पीसीज दैट अफेक्ट द हनी बी आर अमेरिकन फाउल ब्रूड एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड। देन द बर्ड स्पीसीज दैट इज पेस्ट ऑफ हनी बी। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है बर्ड की जो कि हनी बी की पेस्ट है, मतलब हनी बी को वो खा जाती है। ठीक है, तो वो है बी ईटर। ठीक है, मेरोप्स ओरिएंटलिस। ठीक है, साइंटिफिक नाम याद रखना, मेरोप्स ओरिएंटलिस, जिसे हम लोग बी ईटर कहते हैं। द टू इंपॉर्टेंट डिसीज कॉज्ड बाई फंगस इन हनी बी आर चॉक ब्रूड एंड स्टोन ब्रूड। कौन सी दो स्पीसीज हैं, तो मतलब कौन से दो डिसीज है फंगस जो कि कॉज करती है, तो चॉक ब्रूड एंड स्टोन ब्रूड आर द टू डिसीज विच इज कॉज्ड बाई फंगस। देन लार्वल ड्यूरेशन ऑफ वर्कर दैट फीड ऑन बी ब्रेड इज 2 days। ठीक है, लार्वल ड्यूरेशन कितना होता है वर्कर का जो कि ब्रेड, बी ब्रेड पर फीड करता है, तो वो 2 days होता है। द ड्यूरेशन ऑफ लार्वा ऑफ द ड्रोन दैट फीड ऑन रॉयल जेली प्लस बी ब्रेड, वो हमारा कितना होता है, 4 दिन। ठीक है, लार्वा का ड्यूरेशन ड्रोन का जो कि रॉयल जेली पर और बी ब्रेड पर, दोनों पर फीड करते हैं, वो कितना होता है, 4 days। व्हेन द लार्वा इज अलाउड टू फेड द इंटायर लार्वल ड्यूरेशन द रॉयल जेली इट इज डेवलप्स इन टू कील। ठीक है, अगर लार्वा को आप इंटायरली छोड़ देंगे कि वो रॉयल जेली को फीड करे, तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, क्वींस। ठीक है, वर्कर बीज क्यों डेवलप नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो जो रॉयल जेली होता है उस पर फीड नहीं करती, इसलिए वो क्वींस में डेवलप नहीं हो पाती हैं। देन लार्वल ड्यूरेशन ऑफ द ड्रोन क्वीन एंड वर्कर बीज इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो लार्वल ड्यूरेशन होता है ड्रोन का वो 7 days होता है, जो क्वीन का होता है वो 5 days होता है, और जो वर्कर का होता है वो कितना होता है, 4 days। ठीक है, तो अलग अलग याद रखना है कि लार्वल ड्यूरेशन ऑफ ड्रोन इज 7 days, क्वीन का लार्वल ड्यूरेशन हमारा होता है 5 days, और वर्कर का बीज जो होती है उनका होता है 4 days। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।